आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मिसयूज़ एंड क्रिमिनल लॉ। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर रिलेटेड जो क्रिमिनल लॉज हैं और कंप्यूटर्स को किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर मिसयूज़ कैसे कैसे हो सकता है या कंप्यूटर के मिसयूजेस क्या होते हैं। तो अगर हम इसको स्टार्ट करना शुरू करें तो इंट्रोडक्शन है, द मीडिया एंड पॉपुलर कंप्यूटिंग प्रेस शुड अबाउंड विद टेल्स ऑफ मल्टी मिलियन पाउंड कंप्यूटर फ्रॉड्स। मतलब ये कि आपने सुना होगा मीडिया में भी इस तरह की खबरें चलती हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको ये कंप्यूटर फ्रॉड्स के जरिए मिलियंस ऑफ पाउंड जो है उनका नुकसान होता है। अब ये जो आप डिफरेंट किस्म की हैकिंग्स भी इसमें होती हैं, कल भी हमने हैकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो वो कहता है द मीडिया एंड पॉपुलर कंप्यूटिंग प्रेस अबाउंड विद टेल्स, मतलब कि बड़ी बड़ी या कहानियों से ऑफ मल्टी मिलियन पाउंड कंप्यूटर फ्रॉड्स एंड ऑफ द डेंजर्स ऑफ कमर्शियल कंपनीज, गवर्नमेंटल डाटा, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर हैकर्स। एक तो मल्टी मिलियन पाउंड मतलब फाइनेंशियल बहुत लॉस होता है, उसके अलावा कमर्शियल, गवर्नमेंटल, उसके बाद बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो डिफरेंट अदारे हैं इनको डेंजर्स हैं मतलब थ्रेट्स हैं इसके सिक्योरिटी के, कहाँ से, जो के कंप्यूटर हैकर्स करते हैं। मतलब ये जो हम लोग इस चीज़ को उस लेवल का अंडरस्टैंड नहीं शायद कर पाए, लेकिन ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या इस तरह के आप कह लें कि जहाँ पे डिफरेंट किस्म के हाई लेवल हाई प्रोफाइल वर्क होता है, चाहे वो गवर्नमेंट आप कह लें कि कंपनीज हैं या कि वो प्राइवेट कोई अदारा है, लेकिन वहाँ पे चांसेस होते हैं क्योंकि लोग ऐसी जगहों पे हिट करने की जो है ना वो कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर्स जो है वो मिसयूज होते हैं, और ये हम इसलिए इसको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में पढ़ रहे हैं कि जब हम प्रोफेशनली किसी जगह पे काम कर रहे होंगे तो फिर वहाँ पे ये चीज़ बड़ा मैटर करेगी कि हम लोग जो है वो अपने अदारे को या खुद को किस तरह से मिसयूज होने कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर्स के थ्रू मिसयूज होने से बचा सकते हैं। कंप्यूटिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। कंप्यूटर्स में अब क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या होती हैं? मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस इज डन थ्रू यूटिलाइजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये आपको पता है कि आज के दौर में हर एक काम जो है स्पेशली बिजनेस जो है उसमें कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब वो उनके बिजनेस की मैनेजमेंट से लेकर बिजनेस को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने तक हर स्टेप में जो है वो कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है। देयर्स बीन अ शार्प राइज इन नंबर ऑफ क्राइम्स इन्वॉल्विंग कंप्यूटर। और जैसे ही कंप्यूटर का यूज बढ़ा है, कंप्यूटर का मिसयूज भी जो है वो बढ़ गया है। एंड द इंटरनेट हैज अनडाउटली क्रिएटेड न्यू सिक्योरिटी रिस्क। और उसमें सबसे ज्यादा जो आप कह लें कि अपना रोल प्ले किया है वो इंटरनेट ने किया है कि सिक्योरिटी रिस्क और बढ़ गया है। जो सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्टेड है, कंप्यूटर के इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो भी आपका कंप्यूटर, उसमें चांसेस हैं कि वो सिस्टम हैक भी हो सकता है, उसमें वायरस भी भेजा जा सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जो है वो चोरी हो सकती है। क्योंकि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप आउटर वर्ल्ड को एक्सेस दे रहे हैं अपने सिस्टम की। कैटेगरीज ऑफ मिसयूज। जो कंप्यूटर मिसयूज हैं इनकी कैटेगरीज जो है कुछ डिफाइन की गई है, किस किस किस्म की हो सकती हैं, उनको जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है कि आपके साथ कोई मिस कमिटमेंट की जाए, आपको किसी रॉन्ग वे में जो है वो ट्रीट किया जाए यूजिंग कंप्यूटर्स। मतलब आप जैसे समटाइम्स मैसेज आते हैं, आप मोबाइल पे भी मैसेजेस रिसीव करते हैं कि लाइक
आप फलां नंबर पे मैसेज करें, आपका ये इनाम निकल आया, या आपको आप इस लकी ड्रॉ में ये चीज जीत चुके हैं। तो वो चीज जो है, इसी तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो वाया ईमेल भी होती हैं। ईमेल हमारे इधर इतना ही, सोसाइटी हमारी में इतनी पॉपुलर नहीं, लेकिन इंटरनेशनली या कोऑपरेट वर्ल्ड में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे ईमेल बहुत मैटर करती है। यहाँ पे तो हमने कोई लीव हम डिमांड कर रहे हो तो हम व्हाट्सएप पे या मैसेज पे या कॉल पे डिमांड करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल वे है वहाँ पे ईमेल यूज होती है। तो इसी तरह ईमेल्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड्स भी किए जा रहे हैं। फिर जी नेक्स्ट मिस यूज क्या है, अनऑथोराइज ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। ये भी एक मिस यूज है कि आप अनऑथोराइज हैं किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए और आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लें। इसकी मल्टीपल इसके टाइप्स होती हैं। मसलन सबसे पहले कंप्यूटर हैकिंग, एक कंप्यूटर किसी ऑफिस का है, किसी दूर जगह पे पड़ा हुआ है, आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप उसको हैक करके तो उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी कर लेते हैं। तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। फिर इसके बाद है जी ईवसड्रॉपिंग। ईवसड्रॉपिंग होती है जैसे आप कह लें किसी की जासूसी करना, ठीक है, किसी चीज पे नजर रखना। ईवसड्रॉपिंग में क्या किया जाता है कि एक कंप्यूटर को अंडर आप कह लें कि वो अपने रिडार ले आते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर ले आते हैं, उस पे होने वाली तमाम एक्टिविटीज को नोट किया जाता है और फिर उन एक्टिविटीज में से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन या अपने मतलब का डाटा जो है वो निकाला जाता है। और नंबर थ्री क्या है, मेकिंग अनऑथोराइज यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर पर्सनल बेनिफिट। अब ये देखें कि इसकी एग्जांपल ये है कि अब एक पर्सन है वो यूनिवर्सिटी में काम करता है, यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस में है और उसके पास जो है यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर्स हैं वो उसके अंडर हैं। तो अब उसके पास एक्सेस है सारे कंप्यूटर्स की। तो अब यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम वाले रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास स्टूडेंट्स का सारा डाटा है। तो अब एक पर्सन जो है वो अपने बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जांपल उसकी कोई कंपनी है और वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा है, फॉर या मैं उसकी एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ कि उसकी अपनी कोई आप कह लें कि बुक स्टोर है अपना कोई, या कंप्यूटर स्टोर है, और वो चाह रहा है कि स्टूडेंट्स तक अपनी जो है वो मार्केटिंग कर सके। तो वो यूनिवर्सिटी के सिस्टम से स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर ले और वो लिस्ट जो है उस पे ये मैसेजेस जो है एडवर्टाइजमेंट के वो फॉरवर्ड करे। तो अब ये यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो कि वो ऑथोराइज नहीं था, ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर मिस यूज़ में आएगा। कंप्यूटर मिस यूज़ में सिर्फ ये ही नहीं कि आपकी हैकिंग ही हो, ये भी मिस यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स में आएगा। तो जिस तरह से अब ये देखें ना कि हम लोग कई दफ़ा शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेते हैं। तो जब आप कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें देते हैं, आपने एक ब्रांड को कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, लेकिन होता क्या है कि फिर आपको हर ब्रांड के ही मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो भी एक मिस यूज़ की ही कैटेगरी है। अच्छा, अब कंप्यूटर मिस यूज में नेक्स्ट है अनऑथोराइज ऑल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। ये भी एक मिस यूज है कि आप ऑथोराइज नहीं है, आपके पास राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी किसी सिस्टम में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है आप उसे अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं या डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कि एक सिस्टम में इंफॉर्मेशन पड़ी है, आप उसे एक्सेस करके उसमें आपके मार्क्स, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपके वो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है और आपका जो है वहाँ पे सी ग्रेड लगा हुआ है, आप उसे चेंज करके ए ग्रेड कर दें, तो ये होगी अल्टरेशन। फिर है जी डिनाइंग एक्सेस टू ऑथोराइज यूजर। ये भी एक मिस यूज है कि हैकर्स क्या करते हैं समटाइम्स, कि एक ऑथोराइज यूजर है मतलब जिसके पास उस सिस्टम को एक्सेस करने की अथॉरिटी है, उसके पास पासवर्ड, उसके पास लॉगिन आईडी वगैरह है, लेकिन आप उसको हैक करके
तो उसकी एक्सेस जो है वो बैन कर दें, और वो यूजर जिसके पास अथॉरिटी है वो भी उसको एक्सेस ना कर पाए। द अनऑथोराइज रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, ये भी एक मिस यूज है कि एक इंफॉर्मेशन किसी सिस्टम पे पड़ी है और आप उसे रिमूव कर रहे हैं जो कि आप ऑथोराइज नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने समहाउ अगर सिस्टम को हैक करके या किसी भी तरीके से एक्सेस कर लिया है, तो उसको अनऑथोराइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को रिमूव करना ये भी मिसयूज कहलाएगा। अब ये जितनी कैटेगरीज हमने देखी कंप्यूटर मिसयूज की, इसको हम जरा डिटेल से चेक कर लेते हैं कि कंप्यूटर फ्रॉड क्या होते हैं। तो कंप्यूटर फ्रॉड जो है उसको लॉ कमीशन डिफाइंड कंप्यूटर फ्रॉड एज कंडक्ट विच इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट। अब जो लॉ कमीशन है उसने कंप्यूटर फ्रॉड को डिफाइन किया है कि कोई ऐसा काम जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट की मैनिपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व हो, मतलब कि आप उसमें कोई चेंजिंग कर रहे हैं या कुछ भी उसमें आप एक्टिविटी कर रहे हैं ऐसी, बाय वट एवर द मेथड, किसी भी तरीके से आप उसको चेंज करने मॉडिफाई की कोशिश करें, इन ऑर्डर डिसऑनेस्टली टू ऑब्टेन मनी। अब कार्य क्यों रहे हैं, अगर आप मतलब वो कह रहा है कि कंप्यूटर फ्रॉड क्या है, कोई भी ऐसा काम जो आप इंटरनेट और कंप्यूटर पे कर रहे हैं गलत तरीके से, ताकि क्या करें जी, टू ऑब्टेन मनी। आपका पर्पस इस काम का ये भी हो सकता है कि आप जो है वो पैसे कमाना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि आप जो है ये जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है कि किसी की बिल्डिंग अपने नाम करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप देखें एक पर्सन है वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, कोई ऐप डिजाइन कर रहा है, तो आप उस डिजाइन को उस ऐप को जो है वो वहां से उसका डिजाइन चोरी कर लें और उनसे पहले अपने नाम से पब्लिश कर दें, तो ये भी हो सकता है। तो आप ना सिर्फ ये के पैसे के लिए बल्कि प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सम अदर एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू आर टू कॉज लॉस, और इसके अलावा कि आप किस वजह से करते हैं, किसी भी किस्म के अपने फायदे के लिए, या समटाइम्स आपका अपना फायदा नहीं होता लेकिन आप दूसरे का नुकसान करने के लिए ये जो है वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये जो है वो कंप्यूटर फ्रॉड की डेफिनेशन है, और इस कंप्यूटर फ्रॉड को थ्री टाइप्स में, थ्री कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है, इनपुट फ्रॉड्स, आउटपुट फ्रॉड्स और प्रोग्राम फ्रॉड्स। अब इन तीनों को वन लाइनर डिस्क्राइब भी किया गया, वो चेक कर लेते हैं। इनपुट फ्रॉड्स क्या होते हैं, इंटेंशनली एंटरिंग फॉल्स डाटा और अमेंडिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर, मतलब जानबूझ के आप रॉन्ग डाटा एंट्री करें या जो डाटा एंटर हुआ है उसमें चेंज करें रॉन्ग, ठीक है, और जानबूझ के करें, ये होता है इनपुट फ्रॉड का। मतलब जब आपने कोई इनपुट देनी है, कोई डाटा ऐड करना है, तो उस टाइम पे आप इसको मिसयूज करें। आउटपुट फ्रॉड इन्वॉल्व स्टीलिंग और मिस यूजिंग सिस्टम आउटपुट, ठीक है। आउटपुट फ्रॉड ये है कि कहीं से कोई आउटपुट आ रही है, मसलन जैसे इसकी एग्जांपल ये ले लें, स्टूडेंट्स रिलेटेड ही कोई एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई रिजल्ट आने लगा है, तो रिजल्ट जो है वो एक सिस्टम आउटपुट जनरेट करने लगा है, आप उस आउटपुट को चोरी कर लें। मसलन सम टाइम होता है कि रिजल्ट आने होते हैं और सुना जाता है जी कि वो सिस्टम हैक हो गया और रिजल्ट आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, ठीक है। रिजल्ट में क्या किया जाता है, चेंजिंग्स कर दी जाती हैं। अब आपने अगर एक सिस्टम हैक कर लिया है, अब जैसे आपका ऑनलाइन रिजल्ट आता है, तो जब वो रिजल्ट अपलोड हो उनके सर्वर पे, तो आप उसको एक्सेस करें, हैक करें, और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका ग्रेड सी डी या ए से कम है उसको चेंज करके ए प्लस में कन्वर्ट कर दें, तो ये आउटपुट फ्रॉड होगा। इसके बाद है प्रोग्राम फ्रॉड्स। प्रोग्राम फ्रॉड्स क्या होते हैं, प्रोग्राम फ्रॉड इन्वॉल्व द डिसऑनेस्ट ऑल्टरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम उसकी डिसऑनेस्ट ऑल्टरेशन, जैसे
कल भी इस पे हमने डिस्कशन की थी कि कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, आप यूज नहीं कर सकते अनटिल के आप उसको लाइसेंस परचेज करें पे करके। तो किया क्या जाता है कि डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो हैं उनकी ये जो पैचिंग कर देते हैं, या आप कह लें कि उनको क्रैक करते हैं, उसमें ये जो लाइसेंसिंग वाला एलिमेंट है कि वो 14 दिन के बाद नहीं चलेगा, उसको डिसेबल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कंप्यूटर फ्रॉड, ये जो प्रोग्राम फ्रॉड्स में आती है कि आपने एक सॉफ्टवेयर है उसको ही बदल दिया। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये है कि मैंने आपको ये जो एग्जांपल दी कि एग्जामिनेशन सिस्टम का जो रिजल्ट आ रहा है आप उसे चेंज कर दें, तो ये आउटपुट फ्रॉड है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन के टाइम पे जो डाटा एंटर हो रहा है उसको चेंज कर दें तो ये इनपुट फ्रॉड होगा। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर जिसने कैलकुलेशन करनी है आप उसमें ही जाके तब्दीली कर दें और वहाँ पे अपने नाम के आगे सारे ग्रेड्स परमानेंटली ए शो करवा दें कि जब भी रिजल्ट बने ए ही लिखा जाए वो जो भी लिखे, तो ये प्रोग्राम फ्रॉड कहलाएगा। अबटेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर, अब ये क्या चीज़ है, अबटेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर द सेकेंड फॉर्म ऑफ मिस यूज आइडेंटिफाई बाई लॉ कमीशन वॉज अनऑथराइज्ड ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा जो मेजर मिस यूज है वो ये है कि अनऑथराइज्ड जो है वो आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें फ्रॉम अ कंप्यूटर, और इसकी एक सब कैटेगरी जो है वो क्या होती है, हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग क्या है, एक्सेसिंग अ कंप्यूटर विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ ऑनर, मतलब जो कंप्यूटर ऑनर है उसकी तरफ से आपको कोई परमिशन नहीं है, कोई ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। इन दिस केस पर्सन एक्सेस द कंप्यूटर सीक्रेटली फॉर स्टीलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप किस लिए हैकिंग की जाती है कंप्यूटर्स की, उसकी सबसे पहली वजह तो ये है टू स्टील इंफॉर्मेशन, आप अनऑथराइज्ड वे में हैक करके इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं, डाटा और मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। दूसरा दूसरी जो इसकी बड़ी रीज़न होती है कंप्यूटर को हैक करने की, कि आप या तो डाटा को स्टील करना चाह रहे हैं, चोरी करना चाह रहे हैं, या फिर डाटा को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, उसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, कोई छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं फॉर डाइवर्स पर्पस। डाइवर्स पर्पसेस का मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के मकासद हो सकते हैं डाटा को चेंज करना, वो डाटा पर्सनल मैटर्स के लिए चेंज कर रहे हैं, वो डाटा आप किसी के कहने पे चेंज कर रहे हैं, वो डाटा आप अपने फायदे के लिए चेंज कर रहे हैं, या वो किसी के को नुकसान पहुंचाने के लिए चेंज कर रहे हैं। तो डिफरेंट किस्म के आप के पर्पसेस इसके हो सकते हैं। ईव्स ड्रॉपिंग हमने देखा, ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है लिटरल मीनिंग लिसनिंग और स्पाइंग। ठीक है, सीक्रेटली मतलब आप अगले पर्सन किसी जिसका आप ये कर रहे हैं मिस यूज जिसके साथ, उसको ये चीज़ पता नहीं चलने देते, लेकिन आप सीक्रेटली जो है उनको स्पाई कर रहे होते हैं, मतलब कि उनकी जासूसी कर रहे होते हैं। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ये जो वायरस होता है ट्रोजन वायरस होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, हम इंटरनेट से सर्च करते हैं, वो हमें फ्री में मिल जाता है और वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि जब वहाँ से आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके साथ ये एक टाइप होती है वायरस की, स्पाईवेयर उसे कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स उसे कहते हैं, वो आपके सिस्टम में आ जाता है। और वो आपके सिस्टम में आके आपको कोई मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं करता कि आपका सिस्टम स्लो हो जाए या आपके सॉफ्टवेयर सही ना चले, सारा सिस्टम ठीक चल रहा होता है, लेकिन वो सीक्रेटली बैठा वो वायरस जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज नोट कर रहा होता है। और जहाँ पे जब भी कोई आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, पिन कोड, कोई अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, इस तरह की इंफॉर्मेशन जब यूज़ करते हैं तो वो उसको कॉपी कर लेता है और सेंड कर देता है उन हैकर्स को जिन जिन्होंने इसको आपके सिस्टम में सेंड किया होता है। अनऑथराइज यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर पर्सनल बेनिफिट, दूसरा क्या है कि आप कंप्यूटर को यूज़ करें पर्सनल बेनिफिट के लिए,
जो कि आप ऑथोराइज नहीं है, ये मैंने आपको बताया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द पर्सन मिस यूजिंग द कंप्यूटर इज यूजली एम्प्लॉय और ऑथोराइज यूजर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब ये कि आप ये जो पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करने वाली मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ये तब एप्लीकेबल होती है, या कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, जैसा कि आप ये देखें कि एक पर्सन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो एम्प्लॉय है अदारे का, उसके पास एक्सेस भी है कंप्यूटर्स को यूज़ करने की, लेकिन वो उसको यूज़ करता है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर ली, या सारे यूजर्स का जो कॉन्टैक्ट डाटा है वो चोरी कर लिया, इस तरह के डिफरेंट जो है वो मिस यूजेस पॉसिबल हो सकते हैं। कंप्यूटर मिस यूजेस के बाद है जी सोशल नेटवर्किंग एंड एथिक्स। आजकल सोशल मीडिया जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और सोशल मीडिया का जो यूज़ हो रहा है, जब वहाँ पे फिर हमें उसके कुछ एथिक्स भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि व्हेन अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क क्या होता है कि आप कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ लोगों से या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कि ये सोशल नेटवर्किंग है। जस्ट एज अ कंप्यूटर नेटवर्क इट इज़ अ सेट ऑफ मशीन्स कनेक्टेड बाय सेट ऑफ केबल्स, अ सोशल नेटवर्क इज सेट ऑफ पीपल। अब वो कहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सोशल नेटवर्क की क्या एग्जाम्पल है कि जब लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। और सोशल नेटवर्किंग जो है वो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं आप क्यों सोशल नेटवर्किंग करते हैं, जैसा कि फ्रेंडशिप के लिए। ठीक है, आप नए दोस्त बनाने के लिए सोशल नेटवर्किंग करते हैं, कोवर्किंग के लिए, मतलब आपको अपने काम के लिए कोई लोग चाहिए तो आप सोशल नेटवर्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोफेशनल, या जैसे आप कोई एक कह लें कि आर्टिस्ट हैं और आप दूसरे आर्टिस्ट से मिलके कोई काम करना चाहते हैं, तो आप अपना कोई आर्टिस्ट वर्क, ये जो आर्ट वर्क का कोई पेज बनाते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे लोग आपसे आके जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह से भी होता है। फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, मसलन हम एक पेज बना लें, ठीक है, तो उस पे जैसे ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो इसमें हम डिफरेंट किस्म की आईटी से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं, तो ये फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अभी ये जो लेक्चर है ये हो रहा है, ठीक है, इसमें जो है वो मैं डिफरेंट किस्म की ऐसी वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इंफॉर्मेटिव, जैसे कि जी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे यूज़ करना है, आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करना है। तो फिर जब ये लोग फिर क्या होता है कि लोग आपको, आपके पेज को सब्सक्राइब कर लेते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। ठीक है, समटाइम्स इंफॉर्मेशन आप गेन करने के लिए सोशल नेटवर्किंग करते हैं, और समटाइम्स आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सोशल नेटवर्किंग करते हैं। अच्छा जी, नेशनल साइबर अलर्ट सिस्टम, ये कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जो आप लोग यूज़ करते होंगे, फेसबुक एंड माई स्पेस है, फेसबुक ज़्यादा यूज़ होती है, इसी तरह से ट्विटर है, ट्विटर इज़ लाइक अ माइक्रो ब्लॉग, आप इसमें 140 करेक्टर्स जो है उसका एक आप कह लें कि मैसेज या अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अब इसमें जो है वो एक तो 140 के बजाय डबल हो गया है, और दूसरा इसमें ऑप्शन आ गई है कि आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वरना सिर्फ पहले जैसे टेक्स्ट मैसेज होता था ये उस तरह से काम करता था। फिर ब्लॉग्स होते हैं, बेसिकली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया साइट्स क्या हैं। ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स जो है ये आपका एक पर्सनल व्यू पॉइंट, जैसे कॉलम्स लिखते हैं लोग जर्नल अखबारों में, वैसे ही आप डिजिटली अपने व्यूज या थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए ब्लॉग्स बनाते हैं। पहले ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, अभी बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन जब से ये वेबसाइट जो है पॉपुलर हुई है, तब से ब्लॉगिंग कम हुई है। वेबसाइट का मतलब ये है कि
के बाद जो है वो बहुत मुश्किल होता था। आपको प्रॉपर कोडिंग करना पड़ती थी और डिफरेंट किस्म के इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत से ऐसे वेब डिज़ाइनिंग टूल्स आ गए हैं कि आप चाहे आईटी प्रोफेशनल नहीं भी हैं, ठीक है, देखें मतलब आप अगर सिंपल बीए भी किया हुआ है, आपको कंप्यूटर्स का कुछ नहीं पता, जस्ट आपको यूज़ करना आता है, तो आप 2 3 4 दिन के अंदर प्रॉपर वेबसाइट्स बनाना सीख सकते हैं। तो इस पे बल्कि मैं एक कोर्स भी जल्दी जो है वो लॉन्च करूँगा, मतलब ये आपके सिलेबस से हटके इवनिंग में हम इसको किया करेंगे। और अभी उस पे मैं थोड़ा सा उसके आउटलाइंस जो है कोर्स की उस पे वर्क कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारा पहला ही लेक्चर होगा, आप 1 घंटे के बाद, उस लेक्चर के बाद आपकी अपनी जो है वो वेबसाइट तैयार होगी, जो कि फ्री होस्टिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी को भी अपना वो एड्रेस दें, जैसे वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे कि twitter.com facebook.com, वो आप प्रोवाइड करें तो आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और वो जस्ट 1 घंटे के लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि उसको किस तरह से मजीद प्रोफेशनल वे में आपने लॉन्च करना है। और इसके लिए जो टूल यूज़ होता है वर्डप्रेस, अगर आप में से कोई ये फ्रीलांसिंग कर रहा है फाइवर पे या किसी और फ्रीलांसिंग साइट पे, तो आप वहाँ पे आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो सर्च करके देखें वर्डप्रेस, तो आपको वर्डप्रेस रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ये टास्क जॉब्स वगैरह जो है उसकी मिलेंगी फ्रीलांस मार्केट में। और ना सिर्फ ये कि आप फ्रीलांस मार्केट में जो है वो जॉब करने के लिए वर्डप्रेस सीखें, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल अभी बात हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं, इसी तरह से वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं, ठीक है, youtube.com है, flickr.com है, इसी तरह से और भी वेबसाइट्स हैं, dailymotion.com है, जो कि वीडियो होस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, इसी तरह से पॉडकास्ट, ये ऑडियो ब्रॉडकास्ट के लिए मतलब म्यूजिक फाइल्स यहाँ पे अपलोड होती हैं और वो आप सुन सकते हैं। हमारे इधर एक ये भी देखें कि हमने कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करना है तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से हम जस्ट गाने का नाम लिखते हैं और साथ लिखते हैं MP3, तो वो म्यूजिक जो है वो फाइल डाउनलोड हो जाती है, या हम यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बाहर जो है फॉरेन में इस तरह से नहीं है, वहाँ पे अगर आपने कोई ऑडियो सॉन्ग जो है वो ओपन कर यानी कि सुनना भी है या आपने डाउनलोड करना है, तो वो आपको परचेज करना पड़ता है। वहाँ पे कॉपी राइट्स इफेक्ट जो एक्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे तो ये है, हर बंदा अपनी वेबसाइट पे जो मर्जी गाना डाल ले और उसको जो है वो प्रमोट कर दे, लेकिन वहाँ पे जिस पर्सन के नाम से वो गाना है, मतलब कि जिसने वो गाना गाया हुआ है, उसी के पेज से ही, उसी के वेब पेज से या वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करते। और जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। अब ये एक एग्जांपल है कि ये जो सोशल नेटवर्किंग में इसके कुछ गुड एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे बैड एंड अगली एस्पेक्ट्स भी हैं, ठीक है। गुड एस्पेक्ट्स में मतलब देखें तो वो तो मैंने आपको बताया कि आप इसको अपने डिफरेंट पर्पस को सर्व करने के लिए इसको, ये सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। लेकिन बैड वे में, अब वो जैसे लिखा हुआ है, अ पर्सन आस्किंग फॉर एमरजेंसी मनी वाइल इम्पर्सनेटिंग, मतलब कि एक कोई फेसबुक पे कोई आपकी फ्रेंड बन के, ठीक है, आपके साथ जो है वो ये फ्रॉड कर जे कि जी मैं आप, मतलब अकाउंट बनाया आपके फ्रेंड के नाम से और आपसे कहे जी कि मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है, मुझे ये शेयर कर दो मेरे अकाउंट में इतने पैसे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें आ भी जाते हैं धोखे में और ये कर भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मिस यूज़ भी हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और सोशल मीडिया पे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले ये है जी, कीप प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसे प्राइवेट रखें। आप कोई भी किसी किस्म की प्राइवेट जो डाटा जो किसी भी किस्म
आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, अगर आप वो डिस्क्लोज हो तो उसको आप प्रोटेक्ट करें। डू नॉट पोस्ट एड्रेस, अपना एड्रेस ना पोस्ट करें। देखें इंटरनेट पे लोग ऐसे अवेलेबल हैं जो आपके एड्रेस को भी यूज़ करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या इसका मिसयूज कर सकते हैं। SSN मीन सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये सोशल सिक्योरिटी नंबर हमारे इधर इतना पॉपुलर नहीं है, जैसे आईडी कार्ड नंबर होता है इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में एक पर्सन की तमाम एक्टिविटीज़ इसी पे चल रही होती हैं। ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है यही आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, यही आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, और यही दूसरे तीसरे जो मैटर्स होते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर होता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, वो सारा कुछ यही होता है। ठीक है, फिर अपना फ़ोन नंबर डिस्क्लोज ना करें, फाइनेंशियल इन्फो डिस्क्लोज ना करें, कोई अपना शेड्यूल, कोई फुल बर्थडे, इस तरह कोई चीज़ जो है वो डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, इससे आपका जो है वो आप समझ लें कि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आप देखें ना, आपने अपनी फुल बर्थडे जो है बर्थ डेट वो भी सोशल मीडिया पे अपलोड की हुई है या अपने फ्रेंड्स को बताई हुई है। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो आपके इतने क्लोज होते हैं कि आपके सारी फैमिली को जान रहे होते हैं। ठीक है, अब आप इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अपने एटीएम का पिन कोड जो है वो चेंज करवाते हैं या रजिस्टर करवाते हैं उसको, तो वो आपसे पूछता है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है वो आईडी कार्ड कब बना, या इस तरह से कि आपकी मदर का क्या नाम है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपसे, अगर आपने किसी को, कोई आपका इतना ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है, सारा कुछ उसको पता है, तो फिर किसी दिन आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उसके हाथ लग गया तो उसने जस्ट हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और कहना जी मैं इसका पिन कोड चेंज करने लगा हूँ। पिन कोड तो आपने रखा हुआ है, लेकिन जब वो आप चेंज करना चाहेंगे और वो कहेगी जी पिछला बताएं, आप कहेंगे मैं भूल गया हूँ, तो वो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे जी नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर्स नेम क्या है, कहाँ पैदा हुए। ठीक है, और हम ऐसी चीज़ें जो है वो बड़ी खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं जी मैं फ़लाँ सिटी में फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, ये वो एक्स वाई जी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ना दें, कुछ लोग होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर देते हैं और बाद में जो है वो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। सोशल मीडिया पे जनाब आप लगा देते हैं जी गॉट माय फर्स्ट सैलरी, ठीक है, या थैंक गॉड मेरी सैलरी जो है वो 50,000 प्लस हो गई है। तो जो लोग मिस यूज़ करने वाले होते हैं आपके इस डाटा से, वो भी फिर अलर्ट हो जाते हैं। इवन ये सोशल मीडिया की एक्सेस से जो है वो और भी बहुत से जो है वो आपके साथ मिसहैप जो है वो हो सकते हैं। बी केयरफुल नॉट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूज टू आंसर सिक्योरिटी की। अब देखिए, आप अक्सर कोई किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या कहीं पे कोई अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए या बैकअप के लिए जो है वो आप ये डिफरेंट सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ना वो कोई डिफरेंट सा चूज़ करें और उसका आंसर भी लाजमी नहीं कि जो राइट या करेक्ट है वो ही चूज़ करें। मसलन कुछ लोग होते हैं उन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ किया होता जी योर फेवरेट कलर, ठीक है, और हम हर अपने गैदरिंग में ग्रुप्स में फ्रेंड्स को बताते रहते हैं जी ग्रीन मेरा फेवरेट है, ब्लू मेरा फेवरेट है। तो जब कोई आपका आईडी इलीगली हैक करना चाहे तो वहाँ पे वो पूछता जी सिक्योरिटी क्वेश्चन बताएं जी फेवरेट पेट क्या है, तो आपने सारे जो है वो दुनिया को बताया हो जी मुझे बिल्लियाँ बड़ी पसंद हैं, ठीक है, या आपने कलर चूज़ किया हो रेड ग्रीन ब्लू, और सारी दुनिया को ये भी पता हो कि आपको कलर कौन सा पसंद है, ठीक है, मदर्स मेडन नेम, ठीक है, या कुछ लोगों ने रखा होता है जी कि आपका बर्थ सिटी कौन सा है, ठीक है, आपकी अम्मी का नाम क्या है, आपकी फेवरेट बुक क्या है, ठीक है। और हमारे इधर एक तो ये कि मोस्टली लोगों ने ये चूज़ किया होता है कि मेरी फेवरेट बुक क्या है, और इस टाइम पे आके हमें जो है वो बड़े हम रिलीजियस बन जाते हैं, मजहबी हो जाते हैं, और वहाँ पे लिख देते हैं जी कुरान, ठीक है। 70-80% लोगों से जब भी
ये सिक्योरिटी क्वेश्चन वहाँ पे आता है, तो उन्हें कोई समझ नहीं आती मेरी फेवरेट बुक क्या है, क्योंकि हम एक तो बुक्स पढ़ते भी नहीं, सिलेबस की भी नहीं पढ़ते, वैसे भी नहीं पढ़ते, और दूसरी तरफ हमारा जो है वो अंदर से ईमान जो है वो जागरा होता है कि ये जो है ये गलत होगा कि अगर मैं कुरान से पढ़ के किसी को फेवरेट करूं तो आप जनाब कुरान लिख देते हैं। यहाँ पे आपने अपना जो रिलीजियस जो लगाव है वो शो नहीं करना होता, बल्कि आपने कोई ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा आंसर देना है जो लोगों को नहीं पता, ठीक है। कोई ऐसी बुक आप बताएं जो आपने नहीं जो आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन उसका नाम डिफरेंट हो, आपने उसका जिक्र ना किया हो। यहाँ पे जो है वो हम सिंपल कर देते हैं, ये बुक है, ये पेट है, ये कलर है, ठीक है। कई लोग फेवरेट प्लेयर्स चूज कर लेते हैं और उसी अकाउंट की प्रोफाइल की बायो में लिखा होता है विश लिस्ट में कि जी पेरिस जाना है, और वही सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। तो ऐसे आपने नहीं करना। यूजफुल क्वेश्चन व्हेन यू क्लिक लिंक्स, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे बहुत से लिंक्स ऐसे आते हैं जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो सकती है। जैसे आजकल अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो आपने देखा होगा हर दूसरा बंदा जो है वो फेसबुक पे सोशल मीडिया साइट्स पे वो इस तरह के लिंक्स आ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट या व्हाट्स योर बेस्ट क्वालिटी, ठीक है जी, जानने के लिए क्लिक करें। आप क्लिक करते हैं तो लिखा आ जाता है जी आप बड़े ऑनेस्ट हैं, किसी का कुछ लिखा आ जाता है जी चेक करने के लिए कि जी आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, आप पिछले जन्म में क्या थे, आप 10 साल बाद क्या होंगे। हालांकि ये सारा फेक है, उन्होंने 4-5 आंसर स्टोर किए होते हैं, वो रैंडमली एक आपके लिए शो हो जाता है। लेकिन क्या है कि हम लोग इसको क्लिक करने से बाज नहीं आते, और कई दफ़े ऐसे होता है कि बड़े थ्रिलिंग से जो है वो टैग्स लगे होते हैं, मतलब कि जी फलां एक्टर ने क्या कर दिया या क्या कह दिया, फलां एक्ट्रेस ने ये क्या कह दिया, और फलां पॉलिटिशियन से ये क्या गलती हो गई है, और जानने के लिए क्लिक करें। आप क्लिक करते हैं वो आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाते हैं, वहाँ पे समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है और समटाइम्स जो है वो आपका जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो पर्सनल डाटा प्राइवेट है वो उन तक ट्रांसफ़र हो जाता है। उन्होंने ऐसे उसके अंदर कोड्स स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ किए होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन कैच कर लेता है। बी केयरफुल अबाउट इंस्टॉलिंग एक्स्ट्राज ऑन योर साइट्स, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे एक्सटर्नल टूल्स होते हैं जो आप ऐड अपने ये सोशल मीडिया साइट्स पे ऐड करते हैं ताकि अपनी आसानी हो, लेकिन उनमें से कुछ फिर जो है वो फेक भी हो सकते हैं। जैसे आप अगर YouTube यूज़ करते हैं तो YouTube चैनल अगर आपने बनाया तो बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने चैनल की मैनेजमेंट के लिए आसानी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फेक भी हैं। तो इस तरह के काम करने के लिए करने से पहले जो है वो आप थोड़ा सा इस चीज़ से अवॉइड करें कि हर कोई इन जो ये सॉफ्टवेयर है उसको बिला वजह इंस्टॉल ना करें। फिर अजी बी वेरी ऑफ अननोन फ्रेंड्स, ठीक है। जो अननोन फ्रेंड्स हैं उनसे अवेयर रहें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है या किस तरह से है, और अगर आपको उनके बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो फिर आप भी अपना जो प्राइवेट डाटा है उनको ना दें। फिर अजी गूगल योर सेल्फ, अपने जो आपका फेसबुक अकाउंट है सोशल मीडिया पे ट्विटर पे या किसी भी आप कह लें कि सोशल मीडिया साइट पे, तो आप गूगल पे उसी नाम से खुद को सर्च करें और चेक करें कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका आ रहा है तो ये अलग बात है कि आप सोचें कि मैं फेमस हूँ कि मैं गूगल पे अपना नाम लिखूं तो पहला लिंक ही मेरा आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ वरी भी हो सकता है कि अगर सबसे पहले आपका नाम आ रहा है तो चांसेस हैं कि जब कोई पर्सन इस नाम के किसी बंदे को हैक करना चाहे तो सबसे पहले फिर आपका ही नाम आएगा। डोंट ब्लाइंडली कनेक्ट, ठीक है। हर किसी वेबसाइट से हर किसी पेज पे ब्लाइंडली जो है वो आपने कनेक्ट नहीं हो जाना। ट्रस्ट योर गट्स गट इंस्टिंक्ट, ठीक है। किसी से बात करते हुए, कोई सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हुए, या ये जो डिफरेंट किस्म की आती हैं बातें कि जी फलां काम देखने के लिए लिंक करें क्लिक करें या ये करें या फलां चीज़ को जानने के लिए क्लिक करें, तो उस टाइम पे आप अपना
गट इंस्टिंक्ट यूज करें कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको जरूर आपने क्लिक करना है किसी ऐसी चीज पे जहाँ पे लिखा हुआ जी अपनी हिडन क्वालिटी चेक करने के लिए, जो है वो क्लिक करें। आपको 20-22 साल में हिडन क्वालिटीज नहीं मिली, और वो फेस जो फेक एक वेबसाइट है जो सोशल मीडिया पे, वो आपको 20-22 सेकंड में बता देती है जी आप बहुत बहादुर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो ये ऐसे नहीं होता, ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से पहले जो है वो जो है या ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। यूज़ एंड मेंटेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम में एंटीवायरस जो है वो रखें, ताकि अगर कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो, इलीगल या अनवांटेड कोई एक्सेस लेना चाहे, तो आपका एंटीवायरस उसको प्रोटेक्ट करे। एंड देन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, हम लोग इस पे बहुत लैग करते हैं। ठीक है, पासवर्ड रखना नहीं आता यहाँ पे। इस वक्त जितने लोग आप अभी देख रहे हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनके पासवर्ड्स में उनके फैमिली नेम्स आ रहे होंगे। ये बहुत होता है कि जी पासवर्ड क्या, जी आई लव पाकिस्तान और साथ 1 2 4, 1 2 3। ठीक है, आई लव अल्लाह 1 2 3 4। ठीक है, आई लव मॉम 2 3 1। ठीक है, या अपना निक नेम और आगे जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ईयर आपने लिखा होता है। इस तरह के पासवर्ड जो है वो यूज़ नहीं करें। पासवर्ड यूज़ करें जो कि क्रैक करना है करना मुश्किल हो। ठीक है, मतलब ये उसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, उसमें स्मॉल लेटर्स भी हों। ठीक है, मतलब मैं जैसे मैंने आपसे कहा ना कि क्वेश्चंस जो सिक्योरिटी के लिए आपने यूज़ करने हैं वो थोड़े स्ट्रेंज टाइप के होने चाहिए, इसी तरह से आपके जो पासवर्ड्स हैं वो भी मतलब मैं आईटी से रिलेटेड हूँ, तो मेरा पासवर्ड हो जना आईटी या कंप्यूटर और आगे मेरा मोबाइल नंबर, पासवर्ड हो जी कंप्यूटर और साथ लिखा हो 4 3 2 1, या मेरी डेट ऑफ बर्थ। ऐसे नहीं करना आपने, आप ऐसा पासवर्ड रखना है जो किसी के वहम गुमान में भी ना हो। ठीक है, मसलन आप आईटी के हैं, पासवर्ड आपने रखा हो चेयर, और उसके साथ आपने कोई सिंबल्स यूज़ की हो, उसके साथ कोई आपने जो है वो कोई नंबर यूज़ किया हो, आप इस तरह से यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप पासवर्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग यूज़ करें, उसमें इतनी वैरायटी होनी चाहिए कि उसको क्रैक करना, हैक करना जो है वो मुश्किल हो। तो इस तरह से आप खुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या जी, डू नॉट यूज सेम पासवर्ड फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट एंड फॉर योर ईमेल। ये सबसे अहम पॉइंट है। होता क्या है, आप एक जीमेल आईडी बनाते हैं, उसका एक आप पासवर्ड रखते हैं, वही जब जीमेल आईडी यूज करते हुए आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब अकाउंट बनाते हैं, ट्विटर का या किसी इंस्टा वगैरह किसी और वेबसाइट का, तो वहाँ पे भी उस आईडी पे वही पासवर्ड दे देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। हर आपकी वेबसाइट के लिए, हर सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए आपका एक डिफरेंट पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। रिमेंबर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर अ पब्लिक रिसोर्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसे ही हैं जैसे एक बिल बोर्ड है, जो बड़े बड़े साइन बोर्ड हम देखते हैं रोड्स पे लगे हुए। तो आप ये समझ लें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं ये साइबर स्पेस में एक बिल बोर्ड लगा हुआ है। तो इस तरह अगर कोई चीज़ इस तरह से एक्सपोज हुई हुई है पब्लिक पे, तो वहाँ पे फिर हम वही इंफॉर्मेशन हमें अपलोड करनी चाहिए जो हमारे फायदे की है, ना कि हमारे जो है वो नुकसान की। फिर है जी इवेलुएट साइट प्राइवेसी सेटिंग। जिस सोशल नेटवर्किंग साइट को आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि क्या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो साइट कितनी सिक्योर है। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं कि जिसने जिसके हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक एक सिक्योर सोशल मीडिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे आपका ये आईडी जो है वो हैक नहीं होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एक न्यूज़ भी आई थी कि सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक है, ये लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सेल करता है, ताकि वो इसको देखते हुए जो है वो डिसीजन ले, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बना सके। तो
तो इसका मतलब है कि आपकी प्राइवेसी वैसे मिसयूज नहीं होगी, लेकिन आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, इसलिए आप वो इंफॉर्मेशन दें ही ना जो लीक हो सकती है, या जो इसका मतलब लीक आउट होने से, या जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के पास जाने के बाद जो है वो आपको कोई नुकसान हो सकता है। लॉक डाउन योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन टू पीपल यू एक्सेप्ट एज अ फ्रेंड, अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जस्ट फ्रेंड्स तक ही रखें, इस तरह से कोई भी आउटसाइडर जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी जो फ्रेंड्स हैं वो आपके वही होने चाहिए जिन पे आपको ट्रस्ट है, ये नहीं कि जो स्ट्रेंजर्स आपको इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मिलते हैं और आप उनको फ्रेंड्स बना लें और फिर उन तक भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाए। और फिर अजी बी स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है कि थोड़े से ना स्केप्टिकल मतलब होता है वो पर्सन जिसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो, थोड़े से क्रिटिकल होते हैं ना, मतलब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और ये नहीं ब्लाइंडली हर पेज को लाइक करते जाएं, ब्लाइंडली हर पेज को फॉलो करते जाएं, ये या हर वेबसाइट को ओपन करते जाएं, क्लिक करते जाएं, ऐसे नहीं, या हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते जाएं, थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड से सोच के समझ के कि ये काम मेरे लिए मुनासिब है नहीं है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इसके मुझे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इस तरह से जो आप इसको देखें तो फिर आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं, अदरवाइज आप चांसेस हैं कि आप सोशल मीडिया पे आप इसको आप मतलब आपका मिसयूज हो सके। अभी आपके माइंड में ये भी आएगा कि मतलब हमारा जो सोशल मीडिया पे मिसयूज क्या होना है, ठीक है, हो सकता है अभी आपका मिसयूज ना हो, ठीक है, मतलब ये कि आप अमूमन यही होता है कि मिसयूज जो होता है या जो हमें न्यूज़ मिलती है जी वो बड़ी सेलिब्रिटी या बड़ा कोई पर्सन है बड़ा फेमस, तो उसका जो है ना मिसयूज हुआ है, तो एक्सपोज बड़ों का होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन सबकी जा रही होती है, हो सकता है किसी टाइम पे आगे आपकी इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाए तो तब आपकी इन्फॉर्मेशन भी वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, ठीक है, तो आप देखें अगर बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, पहले तो ये देखें कि ऑनलाइन है वो तो वो किससे बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स जो हैं इनके ऊपर एज का जो है वो आप कह लें कि होता है ये एज लिमिट होती है कि इतने से ज़्यादा एज के पर्सन का जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट बन सकता है, इससे कम नहीं बन सकता, तो वो चेक करें, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे तो आपको थोड़ा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे नहीं है, जैसे ट्विटर है तो वहाँ पे बन सकता है, तो वहाँ पे देखें, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको अगर आपने बच्चों को किसी को भी सोशल मीडिया या इससे इंटरनेट से या इस इंटरनेट पे मिसयूज होने से आपने बचाना है तो आपने उस पर नज़र रखनी है और चेक करना है कि कौन क्या कर रहा है, और सबसे मेन चीज़ ये कि जो पीछे हमने रूल्स पढ़े हैं कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये भी आप बच्चों को गाइड करें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे आए अर्ली एजेस में, और अगर अर्ली एजेस में सोशल मीडिया साइट्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर उनको थोड़ा सा उसका कोड ऑफ कंडक्ट बता दें, गुड एंड बैड पॉइंट्स जो है वो बता दें, ठीक है, किससे कैसे बात करनी है कैसे नहीं वो भी डिस्कस करें। हमारे इधर जो है वो इस चीज़ का काफ़ी लैग होता है कि हम बच्चों से बात नहीं करते कि देखें जी ये चीज़ आपके लिए अच्छी है ये बुरी है, ये काम करना है ये नहीं करना है, और बाद में जब कोई खुदा ना खास्ता मिस ऐप हो जाए तो फिर हम जो है वो ज़्यादा परेशान हुए होते हैं। तो अगर आप बच्चे को अगर आप में इतनी करेज है कि आप उसे सोशल मीडिया की एक्सेस दे रहे हैं, आप उसे आपने उसे टैब मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप प्रोवाइड किया हुआ है तो फिर आप थोड़ी सी और करेज शो करें और इसको प्लस एंड माइनस जो है इस सोशल मीडिया साइट्स के वो बताएं और क्या चीज़, और ये भी बल्कि खुद सिखाएं कि सोशल मीडिया ऐसे यूज़ करना है ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने करना है तो फिर आप उसको उस पर नज़र रखें। तो ये कुछ सोशल मीडिया एथिक्स थे कि सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही होगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट से रिलेटेड जो है
वो मॉरल, सोशल और एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं। तो आज हमने सोशल मीडिया के एथिक्स देखे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उससे पहले हमने कंप्यूटर पे होने वाले मिसयूजेस, मिसकंडक्ट्स जो हैं वो देखे कि किस तरह से कंप्यूटर्स जो हैं वो मिसयूज हो रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर जो है नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें।